हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हिलॉक? अबाउट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सो अगर हम बात करें एक्सॉन हिलॉक की इट इज पार्ट इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सॉन ओके वॉट इज एक्सोन हिलॉक एक्जोन हिलॉक इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ एग्जॉन इनिशियल पार्ट ऑफ एक्जॉन या कई लोग ये भी बोलते हैं इट इज लोकेटेड एट इट इज लोकेटेड एट एंड ऑफ सोमा एंड ऑफ सोमा सोमा मतलब सेल बॉडी के एंड में जो पार्ट लोकेटेड होता है जहां पे से एग्जॉन चालू होता है जहां सेल बॉडी खत्म होती है और एग्जॉन चालू होता है वहां पे जो पार्ट लोकेटेड होता है दैट इज हिलॉक ओके लेट्स सी इन द डायग्राम सो दिस इज डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन दिस इज अ न्यूरॉन एंड ये क्या है दिस इज द सेल बॉडी इट इज सेल बॉडी एंड दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज द दिस इज द इन दोनों के बीच में जो पार्ट है दिस पार्ट नेसल बॉडी खत्म हो रही है एक्सॉन चालू होता है दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक एक्सॉन हिलॉक इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक ओके और इसका फंक्शन क्या होता है लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं कि एक जो एक्सॉन हिलॉक है इसमें न्यूरॉन का ट्रिगर जोन होता इट कंटेन्स ट्रिगर जोन ऑफ न्यूरोन इट कंटेन्स मतलब जो एग्जॉन हिलॉक होता है वो क्या करता है इट कंट्रोल फायरिंग ऑफ न्यूरोन मतलब न्यूरोन में एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोपोगेट होगा एग्जॉन से या नहीं होगा वो कौन कंट्रोल करता है एग्जॉन हिलॉक कैसे कंट्रोल करता है लेट सी जो एग्जॉन हिलॉक होता है वो क्या करता है इट सम्स अप इट सम्स अप टोटल सिग्नल रिसीव्ड टोटल सिग्नल रिसीव्ड जो सोमा सोमाए सेल बॉडी से टोटल सिग्नल आ रहा है उसको ये क्या करता है सम अप करता है और अगर ये जो सम हुआ ये अगर लिमिटिंग थ्रेशोल्ड से इफ द सम इज ग्रेटर सम इज ग्रेटर लिमिटिंग लिमिटिंग थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है अगर उससे ज्यादा हुआ ये सम तो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो जाता है इससे क्या होता है एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है सो इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ओके और अगर ये जो टोटल सिग्नल है ये लेसर हुआ इट इज लेस देन लिमिटिंग थ्रेशोल्ड लेस देन लिमिटिंग थ्रेशोल्ड तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होता ओके okay? सो so, ये किस रूल को फॉलो करता इट फॉलो ऑल एंड नन रूल व्हाट इज दिस रूल दिस इज ऑल एंड नन रूल या ऑल और नन रूल ओके सो इट फॉलोज ऑल एंड नन रूल दिस रूल इज फॉलोड बाय हिलॉक सो ये क्या करता है ट्रिगर करता है न्यूरोन को अगर टोटल सम जो है वो लिमिटिंग सेशल से ज्यादा हुआ तो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करेगा और एक्शन पोटेंशियल कहां ट्रेवल करेगा दिस एक्शन पोटेंशियल वुड प्रोपगेट थ्रू से से जाएगा और से कहां जाएगा और नेक्स्ट द्यूरोन में ओके okay? बट अगर ये टोटल सम जो है लिमिटिंग थ्रेशोल्ड से कम हुआ तो कोई एक्शन पोटेंशियल टिकर नहीं हुआ सो इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एग्जॉन हिलॉक सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू